हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे म्यूजिक सलून एकेडमी। जब भी हम कोई सलून सर्विस लेते हैं, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है और बिना स्किप करे वीडियो देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके स्किन केयर का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब भी आप सलून सर्विस लेते हैं, जब भी आप कोई सलून सर्विस लेते हैं, लाइक क्लीन अप हो, फेशियल हो, कोई थेरेपी हो, कुछ भी हो, कोई स्पा हो, आप स्किन रिलेटेड इश्यूज आप कुछ ले रहे हो, तो ये जितना भी वर्क आप सलून से सर्विस ले रहे हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। हम सलून सर्विस तो ले लेते हैं, इससे हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, बट सलून सर्विस के बाद भी आपकी आफ्टर केयर होती है। वो क्या होती है? आपकी आफ्टर केयर जो होती है वो स्किन केयर होती है। आपका मेन पॉइंट सिर्फ सलून सर्विसेज ही लेना, थेरेपीज लेना ही नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किन के लिए कि आपको आपकी स्किन का बहुत ध्यान रखना होता है। तो उसको जिस चीज़ की नीड है आपको वो देना है, आपको उस चीज़ की सर्विस लेनी है, बट आपको पर्सनल केयर भी इंपॉर्टेंट होता है करना, जो कि आपको ऑलवेज डेली बेसिस पे करना होता है। तो पर्सनल केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है आपका सनस्क्रीन। वैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको डेली केयर में करने होते हैं, बट आज मैं सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन का टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मस्ट है। जो वुमेन्स, जो हाउसवाइफ, जो गर्ल्स, जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स, जो लोग ये सोचते हैं ना कि सनस्क्रीन, अरे बस लगाया और हो गया काम, या आज पूरे दिन में सुबह लगाया स्किन केयर की और हो गया काम, तो ये नहीं होता। सनस्क्रीन आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है स्किन केयर में, आज मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे सनस्क्रीन की जो मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रही हूँ। इवन मैं बहुत सारे सनस्क्रीन अपने डेली बेसिस के रूटीन्स पे फॉलो करती हूँ, लेती हूँ, बट ये सनस्क्रीन मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रही हूँ, और मैंने सोचा था कि जब मैं ये यूज कर लूंगी देन ही आपको इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी, ये कैसा है और इसका क्या रिजल्ट है, और अगर इवन पर्सनली ये मुझे पसंद आएगा तो ही इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरे लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, और आप लोग मुझे बहुत बिलीव रखते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही शेयर करूंगी जो आप लोग की स्किन के साथ छेड़छाड़ ना हो और बहुत ही अच्छा आपके साथ काम करे, है ना। सलोन्स में जो हम सर्विसेज लेते हैं वो हम 15 डेज पे, 10 डेज पे तो हम सर्विस लेते हैं, और हम आपको रिकमेंड भी करते हैं कि आपके स्किन पे किस किस चीज की कमी है, क्या कंसर्न्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सलून सर्विसेज की थेरेपीज जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं एंड देन आप कराते हैं। ये मस्ट है आपकी स्किन के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग, बट उसी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग ये भी मस्ट है कि आपको 2-3 स्टेप आपके स्किन केयर के फॉलो करने होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका सनस्क्रीन। फेस क्लीन करना होता है, क्लींजर यूज करना होता है, जो कि आप डेली बेसिस पे रोज उठते ही मॉर्निंग में एक अच्छा फेस वॉश यूज करते हैं, है ना, क्लेंजर यूज करते हैं, तो वो मस्ट है। उसके बाद आपको यूज करना होता है एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर एंड देन एक बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन। तो आज मैं बात करूंगी सनस्क्रीन पे, जो ब्रांड मैं लेकर आई हूं वो आप लोगों के लिए है, दिस इज कैनपिकी। यस, आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, इस ब्रांड का नाम है कैनपिकी, और ये जो ब्रांड है वो एक जापानीज ब्रांड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जापानीज फॉर्मूले के साथ ये ब्रांड है। और हम सभी जानते हैं कि जो कोरियन फॉर्मूलेज होते हैं, जो कोरियन फॉर्मूला होता है, जो जापानीज फॉर्मूले होते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं स्किन केयर के लिए, तो और भी ज्यादा अच्छे होते हैं उनके फॉर्मूलेज। तो हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं कि उनके फॉर्मूले ही जो है हम अपनी स्किन पर ट्राई करें, है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है ये वीडियो, ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ब्रांड है इसको मैं 3 महीने से सनस्क्रीन को यूज कर रही हूँ। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत ही रॉयल कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है इसकी, आप लोग देख सकते हो, इस टाइप से कुछ इसकी पैकेजिंग है, जिसके ऊपर आपको इस ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इसे, इसके क्या हार्म्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्वांटिटी है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। एंड इवन ये ओरिजिनल है या नहीं, या इनकी वेबसाइट क्या है, सब कुछ आप इसको QR करके चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो बहुत ही रॉयल पैकेजिंग के साथ ये है, और अगर मैं इसकी MRP की बात करूं तो ये 680 की MRP के साथ आता है, और बहुत ज्यादा डिस्काउंट इस पे नहीं होता है, क्योंकि द प्रोडक्ट इज वेरी गुड, ऑल्सो दिस इज लग्जरी प्रोडक्ट, इसलिए बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ ये प्रोडक्ट्स नहीं आते। एंड ये आपको इसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एंड आप ये डायरेक्ट हमारे सलून से भी परचेस कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एंड अब मैं आ जाती हूँ इसकी क्वालिटी पे।
ये दिखने में कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी पैकेजिंग है और वेरी कैरी फ्रेंडली पैकेजिंग है, इस टाइप से आती है। और इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, 80 ग्राम की क्वांटिटी में आता है जो कि एक पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। थ्री टू फोर मंथ बहुत आराम से चल जाएगा आपका, उससे ज़्यादा भी चल सकता है, बट इसको आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करेंगे तो ये 3 महीने आराम से एक इंसान के ऊपर आराम से जाएगा। और ऑल स्किन टाइप है, सबसे अच्छी बात है सनस्क्रीन की है कि ऑल स्किन टाइप है। इस अगर मैं इसके क्लेम की बात करूँ, ये आपके UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड फॉर्मूला है जो आपकी स्किन को इरिटेशन से बचाता है। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। इवन चैप्ड स्किन जो हो जाती है, जिनकी स्किन फट जाती है, बहुत क्रैकी है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ये। लगाने में बहुत ही अच्छा शीन देता है आपको। बहुत ही लाइट वेट टेक्स्चर है इसका, ग्रीसी नहीं करता लगाने पे, नो व्हाइट कास्ट, कुछ भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इवन इतना लाइट वेट है आपको लगता नहीं आपने सनस्क्रीन लगाया है। ये आपकी टैनिंग से प्रोटेक्ट करता है, सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है, इवन साइंस ऑफ एजिंग से भी ये प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी के फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, और जिन लोगों की एजिंग स्किन होती है लाइक 30+ वाले लोग भी इसे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। एंटी एजिंग फॉर्मूला है ये, और ये सिर्फ एक सनस्क्रीन नहीं है, बहुत ही अच्छा काम करता है जो भी कुछ मैंने बताया, इवन ये सारी चीजें करता है। और अभी मैं आप लोगों को ये लगाकर भी दिखाऊंगी ये कितना इफेक्टिव है और आपकी स्किन को कितना हाइड्रेट रखता है, इवन कितना हेल्दी फील कराता है आपको, मैं अभी दिखाती हूँ। तो इसका ट्रायल लेते हैं, और ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका है मेरे पास से अभी, और इसका स्टॉक मैं अभी और मंगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सनस्क्रीन करता है, आपको इतना ही सनस्क्रीन अप्लाई करना है आपकी स्किन पे। फिंगर की हेल्प से पूरी स्किन पे आप डैबिंग मोशन में स्प्रेड करेंगे सनस्क्रीन को। नेक को आपको ऑलवेज कवर करना है, और जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सनस्क्रीन की बहुत ज्यादा मसाज कर देते हैं स्किन में, तो वो चीज नहीं करनी है। इसकी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, मेंशनड है कि आपको बहुत लाइट वेट हैंड से बस इसे आपकी स्किन पे स्प्रेड करना है, लाइक इसे स्प्रेड करना है। आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं, मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा था, इवन मैंने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करा था, कोई सीरम कुछ भी अप्लाई नहीं करा था, मैं सिर्फ आपको सनस्क्रीन दिखा रही थी। और मैंने ये सिर्फ अभी आप लोगों के सामने अपनी स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई करा है, और आप लोग देख सकते हैं नो व्हाइट कास्ट, वेरी लाइट वेट फॉर्मूले के साथ है, बहुत चिपचिपा, बहुत ग्रीसी, कुछ भी ऐसा चिपचिपा सा मुझे फील नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा ग्रीसी नहीं है। और जबकि मैंने इसे बहुत ज्यादा स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं कराया कि ये बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाए, ये मेरी स्किन पे है और आप लोग देख सकते हो, मुझे बिल्कुल ऐसा भारी सा फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ भारी लगा रखा है। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड इस प्रोडक्ट, ये बहुत ही मुझे पसंद आया है। और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे बाय कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये SPF 40 के साथ है, सोलर प्रोटेक्ट SPF 40 के साथ ही आपको मिलता है। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि SPF 50 के सनस्क्रीन आप लोग ना यूज करें, आप 35-40 के बीच के ही SPF यूज करें। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये ऑल स्किन टाइप है, ऑल जेंडर्स के लिए है, मेल्स फीमेल बोथ इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लड़कों में भी शेयर करें, लड़कियों में भी शेयर करें। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू अपडेटिंग वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाए। लव यू अ लॉट, फिर मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।